पिछले साल की तरह इस साल भी मंडी पुलिस का जो नशे के स्मगलरों के खिलाफ अभियान जो है बदस्तूर जारी है, और इसमें 139 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। तो रिसेंटली जो बड़ा स्मगलर पकड़ा गया है उसकी लगभग 1 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो सीज करके। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलाने के बावजूद नारकोटिक्स के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर प्रदेश पुलिस द्वारा कई विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं अगर मंडी जिला की बात करें तो जिला पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वर्ष 2023 की बात करें तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक जिला पुलिस द्वारा 111 केस एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज हुए तथा आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें 139 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। जिला के तहत चरस के 54 मामलों में 44 किलोग्राम चरस और चिट्टे के 50 मामलों में 450 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी मंडी पुलिस का जो नशे के स्मगलरों के खिलाफ अभियान जो है बदस्तूर जारी है। 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक हमने 111 केस जो है एनडीपीएस एक्ट में नशे के स्मगलरों के खिलाफ दिए हैं, और इसमें 139 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 3 महिलाएँ भी शामिल हैं। इसमें चरस के 54 केसेस हैं और जिसमें लगभग 44 किलो 44 kg चरस अभी तक पकड़ी गई है, और चिट्टा यानी हेरोइन के जो केसेस हैं वो 50 हैं और इसमें लगभग 450 ग्राम के करीब जो है हेरोइन अभी तक पकड़ी जा चुकी है। इसके अलावा हमने इलीगल कल्टीवेशन ऑफ हीम की जो होती है इसके 7 केस दिए हैं, और इसमें 1,29,000 के करीब जो है अफीम के पौधे जो हैं इन केसों में पकड़े गए हैं, और जिनको कि अफीम के पौधों को सैंपलिंग के बाद बाकी पौधों को मौका पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और तो इस तरह ये 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के ये हमारे केसेस हैं जो हमने बताया है, और आगे भी ये अभियान जो है इसी तरह मंडी पुलिस द्वारा जारी रहेगा। हाँ, इसके साथ जो कुछ बड़े स्मगलर पकड़े गए हैं तो उसमें हमने जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनकी जो प्रॉपर्टी हैं उनको सीज करके उनको कन्फिस्केशन का जो प्रोसीजर है तो वो भी प्रोसेस जारी है। तो रिसेंटली जो बड़ा स्मगलर पकड़ा गया है उसकी लगभग 1 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो सीज करके उसको जो है आगे की कन्फिस्केशन की कार्रवाई के लिए उसको तैयार किया जा रहा है केस को। इसका 8 किलो के करीब जो है वो चरस इससे अभी रिसेंटली एक केस में पकड़ा गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने बताया कि पुलिस द्वारा 7 मामले अफीम की खेती के भी दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,29,000 अफीम के पौधे भी पकड़े गए हैं जिनको सैंपलिंग के उपरांत नष्ट कर दिया गया है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।